दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा सलमान रशदी की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड फेमस नोवेल जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। दोस्तों इसको 1981 में पब्लिश करवाया गया था। ये नोवेल बहुत ही फेमस है। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये नोवेल। ये आज़ादी के टाइम की कहानी है। 14-15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिल रही थी आधी रात को, उस वक्त की कहानी है। दोस्तों इसको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि इस नोवेल को बुकर प्राइज़ मिल चुका है और भी बहुत सारे प्राइज़ मिल चुके हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसके प्लॉट पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस कहानी में हिस्ट्री और फिक्शन दोनों मिक्स है। यानी कि ये कहानी सुनते हुए ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि कहानी में चल क्या रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, मतलब कई मैजिकल चीज़ें भी है इसके अंदर, बहुत कुछ है इस कहानी के अंदर, तभी इसको बुकर प्राइज मिला है। इस कहानी की शुरुआत होती है इस कहानी के मेन कैरेक्टर सलीम से। सलीम सिनाई नाम है इसका। ये इस कहानी को सुनाता भी है क्योंकि ये इस कहानी का नरेटर भी है। ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ये पैदा हुआ, जब भारत की आज़ादी का दिन था। आधी रात यानी कि आज़ादी के एक घंटे के भीतर, और प्रेजेंट में अभी ये 30 साल का है और 31वां इसका बर्थडे आने वाला है। इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसका शरीर धीरे धीरे इसका साथ छोड़ रहा है, यानी कि इसका शरीर जो है अब इसका साथ नहीं दे रहा। तो इसको चिंता हो रही है कि कहीं ये मर ना जाए। तो ये अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है पद्मा को। पद्मा इसको सर्व करती है, एक लेडी है उसका नाम है पद्मा, उसको ये अपनी स्टोरी सुनाता है। तो सलीम की कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर से। कश्मीर साल 1915 यानी कि सलीम के पैदा होने से भी 32 साल पहले की बात है ये। सलीम के एक नाना थे आदम अजीज़, वो एक डॉक्टर थे, जर्मनी से उन्होंने पढ़ाई की थी। वो एक महिला का इलाज कर रहे थे, एक लेडी का इलाज कर रहे थे जिसका नाम था नजीम। 3 सालों तक सलीम के नाना ने, आदम ने, इस लेडी नजीम का इलाज किया। अब 3 सालों तक इस लेडी ने डॉक्टर आदम को शक्ल नहीं दिखाई। नजीम के शरीर के जिस हिस्से का इलाज करना होता था आदम उसी हिस्से को देखते थे, शक्ल अभी तक नहीं देखी थी 3 सालों तक। 3 सालों बाद पहली बार जाकर के साल 1918 में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब ख़त्म हुआ था साल 1918 में, तब जाकर के आदम ने उस लेडी की शक्ल देखी थी। इसके बाद उसी से ही, नजीम से ही इसके नाना जी की शादी हो गई, मतलब आगे चलकर यही सलीम की नानी बनी। अब इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली और ये कश्मीर छोड़ करके आगरा आ गए। इनकी 3 बेटियाँ हुई और 2 बेटे। अब ये आदम साहब मियाँ अब्दुल्ला नाम के एक एक्टिविस्ट के फॉलोअर बन गए। जर्मनी से पढ़ लिख करके आए थे, इतने समझदार होकर के ये मियाँ अब्दुल्ला के फॉलोवर बन गए। मियाँ अब्दुल्ला एक ऑप्टिमिस्टिक एक्टिविस्ट था। तो मियाँ अब्दुल्ला कुछ समय बाद, इसको क्या है कि मियाँ अब्दुल्ला को मार दिया गया। मियाँ अब्दुल्ला की डेथ के बाद में अब्दुल्ला का एक असिस्टेंट था जिसका नाम था नादिर खान। तो नादिर खान को डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर आदम ने अपने घर के बेसमेंट में छुपा लिया। इनकी वाइफ ने प्रोटेस्ट किया, मना किया, लेकिन इन्होंने नहीं मानी अपनी वाइफ की और उस नादिर खान को अपने बेसमेंट में छुपने के लिए जगह दे दी। अब उस बंदे नादिर खान से, ये आदम साहब की 3 बेटियां थी मैंने आपको बताया, इसमें से 1 बेटी थी मुमताज, उसको इस नादिर खान से प्यार हो गया और सीक्रेटली नादिर ने और मुमताज ने आपस में शादी कर ली। अब नादिर और मुमताज की शादी को 2 साल गुजर गए। अब 2 साल बाद आदम साहब को पता चला कि इनकी बेटी अभी भी वर्जिन है, यानी कि नादिर ने अभी तक मुमताज को हाथ तक नहीं लगाया था। ये नादिर अचानक से इस मुमताज को छोड़कर भाग गया। लेकिन इसके जाने के बाद मुमताज अकेली नहीं पड़ी, बल्कि इसका इंटरेस्ट अहमद शनाई नाम के एक आदमी की तरफ बढ़ गया। तो अब मुमताज ने अपने पुराने पति को तो भूल गई और इस अहमद शनाई की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। शादी के बाद में मुमताज़ ने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम अमीना रख लिया। अब अमीना अपने नए पति के साथ दिल्ली चली गई और वहाँ पे प्रेग्नेंट हुई। वहाँ ये एक भविष्य बताने वाले से मिली। उसने अमीना के होने वाले बच्चे का भविष्य बताया कि ये बच्चा इस देश के साथ बड़ा होगा। तभी क्या होता है दोस्तों, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अमीना के पति अहमद की फैक्ट्री जला दी, जिसके बाद ये दोनों बॉम्बे आ गए। दिल्ली छोड़ करके बॉम्बे आ गए। वहाँ आकर के इन्होंने एक अंग्रेज़ से घर खरीदा। इस अंग्रेज़ का नाम था विलियम मैथवाल्ड। इस अंग्रेज़ के घर में एक आदमी काम करता था जिसका नाम था वी विली विंकी। उसकी वाइफ थी वनिता, वो लेडी भी प्रेग्नेंट थी।
अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये यहाँ पे वी विली वेंकी की जो वाइफ है वनिता, एक्चुअली ये इस वी विली से प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि ये अंग्रेज़ विलियम मैथवोल्ड से ही प्रेग्नेंट है। तो अब ये दोनों प्रेग्नेंट थी, तो एग्जैक्टली आधी रात 15 अगस्त के दिन इन दोनों लेडीज़ ने एक एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन वहाँ पर एक नर्स काम करती थी उस क्लिनिक में जहाँ पर इन दोनों महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया था, उसका नाम था पेरेरा। वो इन दोनों बच्चों के टैग बदल देती है। इसका रीज़न ये था कि अपने लवर की तरक्की के लिए उसने इन दोनों बच्चों के टैग्स बदल दिए। लेकिन उसने जो टैग्स बदले सो बदले इन दोनों बच्चों की डेस्टिनीज भी बदल दी एक तरह से उसने। मतलब अमीना और अहमद का जो असली बच्चा है वो कहीं और जा कर के पलेगा। लेकिन बाद में दोस्तों इस नर्स को अपने किए हुए पे पछतावा हुआ कि इसने जो भी किया बहुत गलत किया। बाद में इसने क्या किया, ये सलीम की आया बन गई, मतलब एकदम माँ की तरह ये सलीम की केयर करती थी, ख्याल रखती थी। अब इस सलीम का जन्म आज़ादी की आधी रात को हुआ था, 15 अगस्त को आधी रात को। तो इस सलीम की नाक बड़ी अजीब सी थी, इसकी आँखें नीली थी। तो इसकी बहन भी हुई इसके बाद में, इसकी एक छोटी बहन हुई इसके बाद में पैदा हुई, तो वो इस सलीम का मजाक बनाती थी, दूसरे बच्चे भी इसका मजाक बनाते थे। तो मतलब इसकी नाक बड़ी थी तो नाक के चलते इसका मजाक बनाया जाता था। तो ये इस मजाक के चलते खुद को गुसलखाने में जाकर के छुपा लेता था कभी कभार, गुसलखाने का मतलब बाथरूम में। तो एक दिन ऐसे ही सलीम उस गुसलखाने में छुपा हुआ था, उस बाथरूम में छुपा हुआ था। तो क्या हुआ, इसकी मदर ये अमीना वहाँ पर टॉयलेट यूज़ करने आई, तो जब ही अपने कपड़े खोल रही थी तो सलीम इसको वहीं मिला। तो इसने अपने बेटे को पनिशमेंट दी, बाहर निकाला और पनिशमेंट दी कि एक दिन तो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो जब सलीम पूरा दिन शांत था तो इसको अपनी एक अजीब सी पावर का पता चला। इसके दिमाग के अंदर, सर के अंदर हज़ारों आवाज़ें इसको सुनाई दे रही थी। तो इसने अपनी फैमिली को जाकर के ये बात बताई कि मुझे मेरे दिमाग में हज़ारों आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो इसकी माँ अमीना को पता चला कि इसके लड़के में टेलीपैथी की पावर है। टेलीपैथी का मतलब ये अपने माइंड से ही हज़ारों लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है। दरअसल इसका कारण ये था कि इंडिया की आज़ादी के एक घंटे के अंदर अंदर जो जो बच्चे पैदा हुए थे उन सबको पावर्स मिली थी, मैजिकल पावर्स मिली थी। सलीम के साथ एक लड़का और पैदा हुआ था, मैंने आपको बताया था, यानी कि अहमद और अमीना का रियल बेटा जिसका नाम अभी शिवा है, उसके घुटनों में, नीज में मैजिकल पावर्स मिली थी। मतलब उस टाइम पर 1001 बच्चे पैदा हुए थे, तो उन बच्चों को कुछ ना कुछ मैजिकल पावर्स मिली थी। लेकिन आज़ादी के 10 साल बाद तक अभी तक कुल 581 बच्चे ही बच पाए हैं, सर्वाइव कर पाए हैं। यानी कि आज़ादी के 10 साल बाद तक आधे से ज़्यादा तो ख़त्म हो गए बच्चे। तो सलीम भी बचा है और इसके साथ 581 बच्चे और बचे हैं। अब दोस्तों इस कहानी में आगे क्या होता है, ये अहमद ने गलत जगह अपना पैसा लगा दिया था, तो इसका पैसा डूबता जा रहा था। ऐसे में एक दिन क्या हुआ, स्कूल में सलीम की उंगली कट गई, किसी एक्सीडेंट की वजह से इसकी उंगली कट गई, तो बहुत सारा इसका खून बह गया। तो इसके पेरेंट्स अहमद और अमीना इसको भाग करके डॉक्टर के पास ले गए हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर बोला कि खून चढ़ेगा, तो ये दोनों जने माँ बाप इसके खून देने को तैयार हो गए। तो डॉक्टर बोला आप दोनों में से किसी का भी ब्लड इस लड़के के साथ मैच नहीं हो रहा है। मतलब अहमद को ये पता चला कि सलीम इसका बच्चा तो है ही नहीं, तो ये गुस्सा हो गया और सलीम को कुछ महीनों के लिए इसके अंकल आंटी के पास भेज दिया रहने के लिए। वैसे ही अहमद का पैसा डूबता जा रहा था, तो ये अल्कोहलिक भी हो रहा था और ये परेशान तो वैसे ही था। ऐसे में इसको पता चला कि सलीम इसका बेटा नहीं है, तो अंकल आंटी के पास इसने रहने को भेज दिया। अब जब ये अपने अंकल आंटी के साथ रह रहा था तो इसने अपनी आंटी के साथ कोई गलत हरकत कर दी, तो इसको वापस इसको अपने माँ बाप के पास भेज दिया सलीम को। अब दोस्तों आपको वो नर्स याद होगी जिसने इन दोनों बच्चों को बदला था, सलीम और शिवा को, तो उसको अभी भी इस बात का दुख था कि उसने उस रात बच्चे क्यों बदले। अब दोस्तों ये क्या करती है, इस फैमिली को छोड़ करके चली जाती है कि जो होगा सो होगा, इन बच्चों की किस्मत है, जो कुछ होगा सो होगा, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। ये चली जाती है वहाँ से। अब दोस्तों मैंने आपको बताया अहमद बहुत शराब पीने लगा था, इसका पैसा डूबता जा रहा था, तो ये बहुत ही ज़्यादा नाटक करने लगा था, तंग करने लगा था अपनी फैमिली को। तो अमीना ने क्या किया, अपने बेटे और बेटी को लेकर के, सलीम को और इसकी बहन, छोटी बहन को लेकर के पाकिस्तान चली गई अमीना अपनी बहन के पास में। वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए सलीम की बहन को अच्छा गाना गाने की वजह से तरक्की मिल गई, फेम मिल गई।
लेकिन 4 साल बाद ये तीनों वापस इंडिया आ गए, क्योंकि अहमद की हालत बहुत ही ख़राब थी, इसको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो ये तीनों वापस आ गए। अब दोस्तों, सलीम को अचानक सीनियस में इन्फेक्शन हो गया, इसकी नाक का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद सलीम की ये टेलीपैथी की पावर जो थी ये खो गई, जो ये कम्युनिकेट कर सकता था माइंड से। मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं बताई कि ये सलीम को पता था कि कौन कौन से मिडनाइट चिल्ड्रन है जो उस रात को पैदा हुए हैं, 15 अगस्त की आधी रात को पैदा हुए हैं, ये सब के बारे में जानता था, क्योंकि इसमें इसकी अमेजिंग माइंड पावर की वजह से। लेकिन अब वो पावर खो चुकी है, लेकिन तभी इसकी नाक में एक ज़बरदस्त सूंघने की शक्ति आ गई, एकदम कुत्ते की तरह ये सूंघ सकता था। लेकिन अब इसकी पूरी फैमिली ने क्या किया, साथ में अहमद को भी लेकर के ये चारों जने पाकिस्तान आ गए वापस, एक बार फिर से पाकिस्तान आ गए इसकी पूरी फैमिली और एक नई लाइफ शुरू की। सलीम की सिस्टर एक अच्छी सिंगर के रूप में यहाँ पे पाकिस्तान में उसको फेम मिल गई। सलीम का फादर अहमद अपनी बेटी की इस फेम को बड़ा एंजॉय कर रहा था, लग रहा था कि सलीम की फैमिली की कंडीशन अब सुधरने लगी है। लेकिन इस फैमिली की ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि पाकिस्तान में उसी टाइम जहाँ ये लोग रहते थे अचानक वहाँ पे एक बम धमाका हुआ, तो पूरी फैमिली इनकी ख़त्म हो गई, सलीम और इसकी बहन को छोड़कर। उसी वक्त हवा में से कोई चीज़ आकर सलीम के सर से टकराई और सलीम की याददाश्त खो गई, मतलब जो कुछ इसको याद था वो सब भूल गया ये। अब थोड़ा टाइम गुजरा, अब इस बीच पता नहीं क्या हुआ, सलीम पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हो गया। इसको पता भी नहीं चला मैं कैसे भर्ती हुआ, इसकी याददाश्त अभी भी खोई हुई है, ये कौन है, कहाँ से आया है, इसको कुछ पता नहीं, इसको इसकी असली आइडेंटिटी पता नहीं है। तो आर्मी क्या करती थी, इसके सूंघने की जो पावर थी, कुत्ते की तरह सूंघने की पावर थी, उसका फ़ायदा उठाती थी। अब 1971 का टाइम था, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो ये बांग्लादेश चला गया वहाँ पे लड़ने के लिए। तो जंगल में ये जवान सैनिकों के ग्रुप को लीड कर रहा था, तो जंगल में इसकी याददाश्त अचानक से वापस आ गई। तो ये अपनी स्टोरी अपने चार साथियों को, तीन साथियों को बताता है, और वहीं पे जंगल में इसके साथी तो मारे जाते हैं, इसको छोड़ करके ये बच जाता है। तो तब ये सलीम वापस पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान आकर के ये एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है पार्वती। अब दोस्तों, इसे इत्तेफाक ही समझो कि ये पार्वती भी उन कुछ बच्चों में से एक थी जो 15 अगस्त की आधी रात को पैदा हुए थे, यानी कि इसको भी कुछ स्पेशल मैजिकल पावर्स मिली थी, और ये अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करके सलीम को वापस इंडिया ले आती है अपने साथ में। अब इंडिया आने के बाद इंडिया में सलीम का सिर्फ एक ही रिश्तेदार बचा है, इसके अंकल, उसके पास जाता है सपोर्ट की उम्मीद से। इसके अंकल गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो सलीम इनके पास में जाता है। ये भरोसा नहीं करते कि ये सलीम ही है, ये हमारा सलीम ही है, तो ये उसको भगा देते हैं। अब सलीम की उम्मीदें ख़त्म हो गई है, ये वापस स्लम्स में आता है पार्वती के पास में, तो पार्वती इसको बोलती है कि मुझसे शादी कर लो, तो सलीम मना कर देता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो अब सलीम नहीं मिला तो ये पार्वती शिवा से सेट हो जाती है। दोस्तों, शिवा कौन है, मैंने आपको बताया था, शिवा वो है जो सलीम के साथ पैदा हुआ था आधी रात को, अमीना और अहमद का असली बच्चा। तो अब ये पार्वती को प्रेग्नेंट कर देता है शिवा, लेकिन ये शिवा पार्वती से शादी नहीं करता, इसको छोड़ देता है बीच में। अब सलीम इससे एंड में जाकर के शादी करनी पड़ती है, सलीम को ही जाकर के इससे शादी करनी पड़ती है। ये सलीम ये नहीं चाहता कि पार्वती बिना बाप के अपना बच्चा बड़ा करे। अब दोस्तों, इस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जिसको इस मैजिक वगैरह में पूरा विश्वास था। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ये पता चला ये मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में, कि ये मिडनाइट चिल्ड्रन को जो जो बच्चे पैदा हुए हैं आधी रात में, उन सबको मैजिकल पावर्स मिली है, तो उन्होंने क्या किया, इस सलीम को पकड़ा, इस शिवा की मदद से सलीम को पकड़ा और इसको टॉर्चर किया कि बताओ उन सभी मिडनाइट चिल्ड्रन के नाम जो जो तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टेलीपैथी की पावर थी पहले और तुम नाम जानते हो। ऐसे में दोस्तों, इस पार्वती ने एक बच्चे को जन्म दे दिया और वो खुद तो मर गई। इंडिया में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवा दी, सारे मिडनाइट चिल्ड्रन की पावर को अपने पास इकट्ठा कर लिया, और संजय गांधी ने इंडिया में नसबंदी भी करवाई, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी इलेक्शंस नहीं जीत पाई। अब दोस्तों, इसके बाद सारे मिडनाइट चिल्ड्रन को फ्री कर दिया गया। सलीम इसके बाद पार्वती के बेटे को ढूंढने निकला, फिर सलीम इसके साथ वापस बॉम्बे चला गया पार्वती के बेटे के साथ में। वहाँ उसने एक फैक्ट्री की चटनी को टेस्ट किया,
ये चटनी का टेस्ट कुछ कुछ वैसा लग रहा था जैसा कभी इसकी आया बनाया करती थी। एक्चुअली इसकी आया ने अब एक चटनी की फैक्ट्री खोल ली थी और पद्मा भी इसको वहीं मिली थी, सलीम को, जिसको ये अभी अपनी कहानी सुना रहा है। तो इसने डिसाइड किया, सलीम ने, कि ये पद्मा से शादी करेगा। लेकिन दोस्तों, इसके 31वें जन्मदिन पर, भारत की आज़ादी वाले दिन ही, इसकी डेथ हो गई, जैसा कि इसकी भविष्यवाणी में तय हुआ था। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।